साथियों नमस्कार। देखिए भाइयों, बंसीपुरा गांव में हैं हम और हमारे युवा साथी अशोक भाई के पास में, और इनका जो है एक प्रयास अब ट्रंच के गन्ने से अलग ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ गया है, और जो देसी गायों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और इनका मुझे ये बहुत अच्छा कार्य लगा और इसी के लिए खास हम इनके पास में आए, क्योंकि जो हमारा देसी गोवंश है वो विलुप्ति की कगार पर है, और जो हमारे ऐसे ऐसे युवा साथी है जो अपने घेरों में एक देसी गायें बांध रहे हैं, तो उनका मुझे बहुत ही अच्छा कार्य लगता है। तो एक मन होता है अपना ही उनकी वीडियो बनाई जाए और आप जैसे सभी भाइयों को दिखाई जाए। तो देखें कितनी सुंदर इनकी ये गिर नस्ल की ओरिजिनल गाय है, ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा हमारे भैया जी का प्रयास। तो भैया जी कितने समय से रख रहे हैं आप देसी गायें? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो गई। अच्छा, जैसे आप देसी गायें रख रहे हैं तो जी क्या है अनुभव आपका, थोड़ा सा बताओ। तो ये है, अभी आदमी जैसे कि सुना गया, भाई सुना नहीं गया, जमाया भी गया। जी जी। देसी नस्ल जो है, जी जी, देसी नस्ल जैसे आपकी थार पारकर, हाँ जी, सिंधी, साहिवाल, ये सब देसी में ही आती है। हाँ जी, हरियाणवी। हाँ हरियाणवी। हमारे तरफ ज्यादा, हमारे यहाँ लोग जो है वो सफेद टांट वाली को देसी मानते हैं। बार बार सही कह रहे हैं। वो सफेद टांट वाली तो देसी है, ये भी हमारी जो गाय है देसी नस्ल। जी, भारत में 50 से ज्यादा नस्ल अभी बची हुई है, हर एक राज्य के अनुसार अलग अलग गाय है। देखो तो इनका एक तो दूध बहुत बढ़िया है, मतलब उसमें पोषक तत्व ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये तो नहीं आप कहने लगो भाई गिर, आप हमारी गिर का है तो इसकी सैंपल 80 क्यों नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी, 80 तो नहीं आओगी, पर पोषक तत्व उसमें जो है सब नस्लों से ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो घर में दूध के यूज के लिए हमने रखी है। अच्छा अच्छा। दूसरी है इनकी मेन चीज, अब इनके साथ साथ में हम अपने खाने पीने के ज्यादा भी कुछ नहीं कर सकते, तो गेहूं या थोड़ी बहुत सब्जी इनके माध्यम से कर सकते हैं। एक ऑर्गेनिक की तरफ आपका प्रयास है? ऑर्गेनिक, मैं गेहूं ऑर्गेनिक करता हूं अभी। अच्छा, मेरे थोड़े से लिकार्ड में कम है, पर मैं गेहूं हमेशा ही ऑर्गेनिक करता हूं। अच्छा अच्छा, गेहूं ऑर्गेनिक कर रहे जी? अच्छा अच्छा। तो उसका जो है बिल्कुल कुछ भी डाई यूरिया पेस्टिसाइड कुछ नहीं लगाता। अच्छा अच्छा, कौन सी वैरायटी बो रहे गेहूं की अभी फिलहाल? मुझे नहीं, जो मैं 26 बो रहा हूं। अच्छा अच्छा, तो बंसी लाओ ना वैरायटी अपनी। बंसी लाऊंगा मैं, अपनी बार सोच रहा हूं अभी लाऊं, अभी मिल माल चले हैं तो थोड़ी बहुत लेट हुए हैं। हां जी, हां जी। और मैं ये जो बच्चा है मेरी, इसकी माँ को मैं लेकर आया था खरीद के। अच्छा अच्छा, कहाँ से जी? मैं उड़का जी करमवीर जी के आश्रम। अच्छा, करमवीर जी। करीबन 2 साल उनके पीछे रहा। अच्छा अच्छा, लेने के लिए। जी जी जी। 2 साल बाद उन्होंने मुझे वो गाय दी थी। अच्छा अच्छा, देखे भाइयों कितने शांत स्वभाव की गाय है। अभी केवल 2 साल की है, 24 महीने की। अच्छा अच्छा। और 24 महीने में ये अभी 5 महीने की प्रेगनेंसी है। अच्छा अच्छा, 5 महीने की, 24 महीने की बच्चा होने का। जी जी जी। मैंने जो इसकी माँ थी उसका मैंने दूध केवल 2 महीने का था। अच्छा अच्छा। पत्ती सारा पूरे ज्ञात इसी का। अच्छा अच्छा। तो ये दूसरी गाय लेकर आया हूँ जी, अभी इसका मैं इलाज करा रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा 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 अच्छा। पर जाबुम ना होते हुए पेशाब गोबर ये सब मेरे अभी इसका काम आ रहा है, पंचमृत जीवामृत घन जीवामृत ये सब मैं बना रहा हूँ। जी जी जी। तो इससे अपना सस्ता जो ऑर्गेनिक की तरफ आप अपना चल दिए। ईंख में थोड़ा थोड़ा लगा लें, बिल्कुल ईंख नहीं छोड़ दी अभी हमने। हाँ। खत्म कर दो ऑर्गेनिक ही कर। जी जी जी। उसमें हम थोड़ी कम करके पेस्टिसाइड या उर्वरक ऑर्गेनिक थोड़ा सा लगा रहे हैं। देखो भैया, आपका बिल्कुल मुझे तरीका सही लगा, क्योंकि हमारे खेतों में इतने पेस्टिसाइड डल रहे और आदत खेतों को ऐसी पड़ गई कि ये सहसाज धीरे धीरे हमको कम करना पड़ेगा, और शुरू की बार में आदमी को अपने खाने लायक तो करना पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि बीमारी इतनी होगी। अभी बहुत सारे आदमी कहते हैं ना कि आदमी को यार अभी हम गन्ना गेर रहे हैं। हाँ जी, साला हम लगा रहे खा तो कोई और ही रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है जी। तो एक बदलाव है, सहसाज होगा धीरे धीरे, घूम फिर के वो हमारे पास भी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे जी। उस कीटनाशक को हमारे पशु भी खा। जी जी। तो भाइयों मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आज इस वीडियो के माध्यम से जो देसी गोवंश है, मुझे इसके बारे में पूरी नॉलेज है और हर प्रकार की गाय की नस्ल मैं बता सकता हूं। ओरिजिनल गिर गाय है इनके पास में, और ऐसी बात नहीं है कि भारत की जो 50 नस्लें अब भी बची हुई है गाय की, और जो अलग अलग राज्य में, जैसे गिर हमारी गुजरात की होगी, साहिवाल पंजाब की होगी, हरियाणवी नस्ल की हमारी काफ़ी दूध देती है, और जो हमारे उत्तर प्रदेश में खद्दर की साइड में होगी, गंगा तीरी होगी, तो अलग अलग राज्य में अलग अलग गायें हैं, लेकिन हमारी जो है ये गिर भी हमारे यहाँ ठीक सूट कर ले, हरियाणवी हमारे यहाँ ठीक रह ले, फिर भी साहिवाल हमारे यहाँ बढ़िया है। तो इनमें से कोई सी भी अपने खुंटे पे एक देसी गोवंश जरूर लाए, और बाकी की जानकारी मैं भी दे दूंगा, मेरे से कमेंट करके नंबर भी ले सकते हैं आप, और गाय के बारे में मुझे बढ़िया नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भी चाहता हूं कि हमारे जो जितने भी किसान साथी है अपने खुंटे पे एक देसी गोवंश जरूर लाए, इसमें अज्ञानता में ना रहे कि ये दूध नहीं देती या इनमें दिक्कत है। इनका गोबर और गौमूत्र ही आपके लिए अगर दूध भी नहीं देती तो बहुत
ये भी बहुत बढ़िया जी, इतना भी कहो बढ़िया तो। नहीं यार, ये तो जैसे हाँ जी हमारा ये मानना है जी जी शास्त्रों में कि जी आप गाय का दूध गोमूत्र, बहुत दूर की बात है, अगर गाय पे आप हाथ भी फेर रहे हैं हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, तो हाथ फेरने से भी आपकी जी जी 10% 5% बीमारी घट, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जी बिल्कुल, उसके ऊपर हाथ भी फेर। हाँ जी हाँ जी, देखिए कितना अच्छा इसका हम्प और गलकम्बड़ आप देख सकते हैं, और सूंड देखिए कितना अच्छा, बिल्कुल ओरिजिनल थी, और भलापन देखिए देसी गाय को कितना भलापन देखो। हाँ पहले नो कहते सिर्फ कूद जा, बताओ ये कितनी भली गाय है, मैं तो इसके लिए बिल्कुल नया हूँ, देख लो कुछ नहीं बेचारे को। तो भाइयों मेरी सबसे यही वो है कि अपने फ्रीजन अमेरिकन जर्सी इन गायों को अपना पहुँचा दें अपने यहाँ से, जैसे वापस आई है हमारे यहाँ AI करा करा कर दूध बढ़ाने के चक्कर में किसानों ने बाट ली घर में, तो अपने देसी गोवंश को बढ़ावा दे, तो यही हमारा एक प्रयास है। तो भाइयों जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी, और हमारे भैया जी का प्रयास देखिए कितना अच्छा प्रयास इनका देसी गोवंश के प्रति है, और बहुत अच्छा लगा आज इनसे मिलकर। तो भाइयों कमेंट करके ज़रूर बताना, नमस्कार।